पेरेंट्स को नमस्ते। आज हम लोग क्लास 3 का हिंदी सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। चैप्टर 7 से सेकंड टर्मिनल स्टार्ट होगा, चांद का झिंगोला। ये एक पोयम है, तो अकॉर्डिंग टू क्लास 3 बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं, तो ये आप लोगों को थोड़ा कम करना है, 2-4, 2-6, 2-8 लाइन लर्न करना है और 8 लाइन फिल गैप्स के लिए रेडी करना है। रामधारी सिंह दिनकर राइटर के नेम के साथ आप लोगों को याद करना है, यहाँ से हार्ड वर्ड करना है, शब्दार्थ आप लोगों को पूरा लर्न करना है, जैसे मैं अनदर क्लास के वीडियोस में भी बता रही हूँ। फिर है नेक्स्ट चैप्टर एट जो है वृक्ष की गवाही। बहुत अच्छा स्टोरी है ये, सम्राट चंद्रगुप्त और चाणक्य के ऊपर ये स्टोरी है, जो चाणक्य की बुद्धिमत्ता से एक किसान को न्याय मिलता है, तो चाणक्य से रिलेटेड है ये चैप्टर। बहुत ही अच्छा है, बच्चों को पढ़ना चाहिए और चंद्रगुप्त और चाणक्य के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए, जो कि हमारे भारतवर्ष के सबसे इतिहास में बहुत ही ज़्यादा फेमस वो लोग दोनों की बॉन्डिंग रही है। इसमें वही है हार्डवर्ड चाणक्य, चंद्रगुप्त, महामंत्री, हार्डवर्ड आप लोगों को मार्क करके, यानी कठिन शब्द सॉरी मार्क करके बच्चों को पढ़ाना है, ताकि बच्चों का स्पेलिंग जो हो वो बहुत अच्छा हो। यहाँ देखिए चाणक्य, चंद्रगुप्त कहानियाँ, सूझबूझ, सिलभद्र, सम्राट, ये आपका पूर्व तीर्थयात्रा, तुम्हारा, सिक्के, सिलभद्र, महाशय, व्यक्ति, महामंत्री, उपस्थित, स्वयं, महोदय, चबूतरे, हिचकिचाते, बूढ़ा, प्यास, झल्लाया, जरूर, राजदंड, निश्चय, स्वीकार, अपराध, स्वयं, अनुनय, विनय, परंतु, प्रण, तुम्हारा, बुद्धि, कौशल, प्रमाण, साक्षी। तो ये सारे वर्ड आप लोग बहुत कठिन हैं, तो आप लोगों को ये बार बार प्रैक्टिस करना है और ये शब्दार्थ जो है वो पूरा लर्न करना है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, शहर में कितने कौए। ये बीरबल, अकबर और बीरबल, जैसे उसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त का बॉन्डिंग था, अकबर और बीरबल भी उसी तरीके के दो किरदार हैं जो एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, तो उनके ऊपर है ये स्टोरी भी, उतना ही इंटरेस्टिंग है प्लस इंस्पिरेशन वाला है। तो आप ये स्टोरी पढ़ना है, इसमें सेम ही आप लोगों को कठिन शब्द जो हैं वो मार्क करने हैं, जो भी मार्क करके देगा, आपके ट्यूशन टीचर करके दें या फिर आपके मम्मी पापा दें, उनको ये ड्यूटी बनती है कि आपकी एबिलिटी के हिसाब से वो शब्दों को चिन्हित करें। बादशाह, पहलिया, पूछते, प्रश्न, विचित्र, परीक्षा, प्रवेश, बुद्धिमान, फौरन, अभिवादन, जटिल, ज़रूर, शिष्टता पूर्वक, ये तो काफ़ी ही हार्ड है, हुजूर, विश्वास, संदेह, 78, लाजवाब, शाबाश, ये सारे कठिन शब्द आपको करने हैं। उसके बाद ये शब्दार्थ आपको याद करना है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, वह पंछी की चाह। एक पंछी की चाहत क्या होती है, इसमें दर्शाया गया है कि चाहे आप पंछी को जितना भी अच्छा से देख रेख करके क्यों ना रखो, उसको बाहर, उसको अपनी आज़ादी ही प्यारी होती है, और वो इस चैप्टर के जरिए दर्शाया गया है। तो आपको ये चैप्टर पढ़ना है, इसमें से सेम है, आपको कठिन शब्द पढ़ने हैं और कठिन शब्द के बाद आपको शब्दार्थ याद करना है। कुछ कठिन शब्द मैं मार्क कर देती हूँ, इसके अलावा आप लोग खुद मार्क करवाएंगे अपने घर में जिसके पास आप पढ़ रहे होते हैं। तो मैं इस चैप्टर से रिलेटेड आपको फटाफट कठिन शब्द बता देती हूँ। राम प्रसाद, आवश्यक, पंडित, स्वप्न, विनयपूर्वक, धार्मिक, व्यक्ति, मनोरंजन, मजबूरी, स्वप्न, प्रातःकाल, प्रसन्नता, प्रसन्न, स्वतंत्र, प्रसन्नता और प्रसन्न दोनों अलग अलग शब्द हैं, इसमें आपके कठिन शब्द नहीं है। हिमालय की पुत्री, ये आपका लास्ट चैप्टर है, हिमालय की पुत्री आप लोगों को पढ़ना है। सेम पराजित, धर्मात्मा, संपूर्ण, विघ्न, धार्मिक, व्यवहार, अश्वमेघ, यज्ञ, महात्मा, ढूंढकर, खोदकर, पृथ्वी, क्रोधित, आश्रम,
चिल्ला चिल्ला कर तपस्वी दुर्व्यवहार भस्म उन्होंने मुक्ति प्रसन्न पुत्रों राजधानी आशीर्वाद अंशुमन सॉरी अंशुमान उद्धार भगवान प्रसन्न पृथ्वी स्पर्श वैकुंठ धाम पापियों नष्ट। इसके शब्दार्थ आप लोगों को लर्न करने हैं। इसमें बस इतना ही चैप्टर है, आप लोगों को लिटरेचर में इतना ही करना है। अब आते हैं हम लोग लैंग्वेज में। लैंग्वेज में आपको सबसे पहला है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मैं तुम यह वो ये तो आपने 1-2 में किया, बहुत ईजी है, पर अभी आपको थोड़ा आगे बढ़ना है। सर्वनाम के भेदों में जाना है। 3 मुख्य भेद हैं, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष अन्य पुरुष। बात का कहने वाला जो होता है वो उत्तम होता है, मध्यम जिसके बारे में बात जो सुनने वाला होता है और जिसके बारे में बात की जाती है वो अन्य पुरुष होता है। तो इन सबको आपको उदाहरण के साथ पढ़ना है। और कैसे सर्वनाम की जो शब्द प्रणाली मैं मैंने मुझसे मुझे ये चार्ट आपको थोड़ा अच्छे से रीड करना है। फिर है जैसे ये एक छोटा सा एक्सरसाइज है। सर्वनाम का प्रयोग होता है लिंग के स्थान पर, वचन के स्थान पर, संज्ञा के स्थान। तो ये छोटा एक्सरसाइज बहुत व्यक्ति जिससे बात करता है उसके लिए शब्द का प्रयोग होता है वह स्वयं या अपने लिए प्रयोग होने वाले शब्दों को कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो ये छोटे छोटे एक्सरसाइज है जो आपको करने हैं ताकि आपका सर्वनाम जो हो वो। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर क्रिया। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। इसके साथ यहाँ बहुत सारे उदाहरण दिए गए। खेलना खाना सोना दौड़ना नाचना नहाना गाना पीना रोना दौड़ना सभी लिखना पढ़ना सभी आता है। इसके भी आपको भेदों के नाम जो है वो पढ़ने। 2 भेद हैं जैसे कर्ता और कर। उसके बाद है क्रिया के प्रमुख भेद होते हैं सकर्मक और अकर्मक। तो इनको आपको पढ़ना है और उदाहरण के साथ पढ़ना है। ऐसे यहाँ अकर्मक के नीचे इसकी परिभाषा दी हुई है। जिस क्रिया में कर्म के साथ नहीं होता अकर्मक क्रिया कहलाते हैं, रोना हंसना मांगना सोना। यहाँ सकर्मक का दिया, जिस क्रिया के कर्म के साथ होता है वो सकर्मक, खाना पढ़ना बेचना। तो इस तरीके से आपको ये करना है। यहाँ एक छोटा सा क्रिया से बोध होता है कार्य के करने का। क्रिया का प्रयोग होता है वाक्य 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 के मध्य में, सहायक क्रिया होती है। तो इस तरीके से छोटे छोटे एक्सरसाइज हैं जो आप लोगों को करने हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं पर्यायवाची शब्द में। यहाँ आग से लेकर चंद्र तक आप लोगों को 2-2, क्योंकि ये क्लास 3 है तो आप लोगों को 2-2 शब्द याद करने हैं। अब आते हैं हम लोग विलोम शब्द में। विलोम शब्द ने ये अच्छा से लेकर यहाँ तक यानी फर्स्ट पूरा चार्ट आप लोगों को लर्न करना है। और इस बार इन चीज़ों का आप लोगों को ज़्यादा इसलिए ध्यान देना है बिकॉज ज़्यादातर ओरल ही एग्जामिनेशन आप लोगों की हो सकती है, बिकॉज ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही लिया जाएगा। मुहावरे में 1 से लेके 10 तक आप लोगों को करना है, 1-10। बस क्लास 3 के लिए इतना तो इनफ है। आप लोग इसी चीज़ों को बार बार कराते रहिए बच्चों को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तभी आपको अलग अलग क्लासेस की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेगी। और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।